नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चे में है। बागेश्वर धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पाठाधीशम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कारों के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रचलित है। बागेश्वर धाम में लोग समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भक्तों को समस्या का तत्काल निवारण मिल जाता है। जानते हैं बागेश्वर धाम के चमत्कारों के पीछे आखिर रहस्य क्या है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा अपने बोलने के अंदाज से ही भक्तों को भक्ति में लीन कर देते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों बाबा के सामने आते ही लोग सब कुछ भूल जाते हैं, तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दे, बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी के हनुमान जी की सेवा करनी शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियाँ समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा हुआ एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में होता ये है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं, और ये कोई मन की बधाई बात नहीं है। दोस्तों, जिन सब की अर्जियां लगी हैं, उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहां लोगों की बातों पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत से मीडिया वाले भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही यह बात लोगों के सामने आई, हर कोई यह देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़ों के कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी सवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है और हर कोई एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाए। यह नौजवान युक्त माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है क्या, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां भी हैं, जिसकी वजह से तो दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी होता है। बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही है, लेकिन इसका निर्माण बहुत समय पहले ही हो गया था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते थे, लेकिन शुरू में इनका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम की विशेषता यह है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है।
मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी की शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ ही धार्मिक गतिविधियां से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। दोस्तों, ये भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिला कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछे तो वे ये कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है, वह खुद कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रमों से ही संभव हो पाया है। दोस्तों, 12 साल की छोटी सी उम्र में, जहाँ बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और यह जो कुछ भी कह देते हैं वह पत्थर की लकीर हो जाता है जिसका सच होना तय है। और इसीलिए इसके एक या दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके दरबार में आया हुआ शख्स सच्चे मन से आया हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान की शरण चुन लेते हैं और जब इनके दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है तो ये उसे दूर से ही पहचान कर उसके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। दोस्तों, आपको बता दें कि हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लोग अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन्स को खरीदते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लाइन बहुत लंबी होती है और उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जाकर लोग धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। इसीलिए चाहे पुलिस हो या फिर मीडिया, कोई भी यह नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है। लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदलकालीन है और 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी दौरान ग्रामगढ़ा के बाबा सेतुलाल चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर यह झाड़ फूंक का भी काम करने लगे जो हर लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी कोई भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वह हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जी लिखना ना भूलिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।